हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको X6 प्रो फ़ोन है, तो पोको X6 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन ऑप्शंस है, तो कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन ऑप्शंस को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं अपने पोको X6 प्रो फ़ोन में, और आप कैसे कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं पोको X6 प्रो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं और कैसे स्पैम प्रोटेक्शन ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं अपने पोको X6 प्रो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉलर आईडी को इनेबल कैसे करें एंड आप कैसे शो कर सकते हैं, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, इसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं पोको X6 प्रो फ़ोन में, तो सिंपली आप देखते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, तो इसमें से आपको जाना होगा बैक करके फ़ोन आइकन्स पे। तो फ़ोन आइकन से आपके फ़ोन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, देखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह भी शो हो जाते हैं। थ्री डॉट पे जाकर सेटिंग्स को आपको कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है, जहाँ से आपके पास कॉलर आईडी एंड स्पैम पर ऑप्शन भी आ जाता है, जिसमें शी कॉलर आईडी स्पैम आईडी को इस तरीके से आप इनेबल कर सकते हैं और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं, और कॉलर आईडी आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगा जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो फिल्टर स्पैम कॉल्स को भी इनेबल कर सकते हैं, जिससे आप सस्पेक्टेड एंड फ्रॉड कॉल्स को आसानी से शो कर सकते हैं कॉलिंग बैकग्राउंड पे। एंड आप चाहें तो देख सकते हैं कि इसका भी यूज़ कर सकते हैं कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, इसके जरिए आप कॉल अनाउंस कर सकते हैं। नेवर कर देंगे तो कोई भी कॉल्स आपके अनाउंस नहीं होगी, नंबर्स भी अनाउंस नहीं होगा। अगर आपके फ़ोन में कॉल्स नेम आ रहा है तो कॉल्स नेम अनाउंस हो जाएगा, या नंबर्स आ रहा है आपके फ़ोन में तो नंबर्स भी अनाउंस हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को भी यूज़ कर सकते हो, इनेबल करके भी आप यूज़ कर सकते हैं पोको X6 प्रो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।